आसिफा बशीर के वकील, जिस पर अपने होने वाले शौहर पर छुरा घोंपने का इल्जाम है, उन्होंने वकील बरकत कौर ने इसका दिफा करते हुए सोशल मीडिया सार्फिन से कहा कि वो अपने वकील पर तशद्दुद करना बंद करे। मैं यहाँ पे एज एक्टिविस्ट आई हूँ, सोशल एक्टिविस्ट। मुद्दा यह है कि कुछ दिन पहले जो आसिफा बशीर और आदिल के बीच में केस हुआ था, उसको बहुत ज्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम और हर सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे तक लोग अपने फॉलोअर्स बनाने के लिए हाईलाइट कर रहे हैं, मीमीज बनाए जा रहे हैं उस लड़की के ऊपर, जिसके रिगार्डिंग अभी, उस केस के रिगार्डिंग अब तक कुछ प्रूफ हुआ नहीं है। अभी हमारे पास तक रिपोर्ट नहीं आई है, तो मैं इस आपके चैनल के थ्रू लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूं कि जो आप ये मीमीज बना रहे हैं, जो आप उस लड़की के बारे में बरखिलाफी कर रहे हैं, या जो झूठ है या सच है, और जो कुछ सो कॉल्ड, मैं सो कॉल्ड एक्टिविस्ट बोलूंगी जो कह रहे हैं आई स्टैंड विद दिस एंड दैट, मैं उनको ये कहना चाहती हूं कि ये चीजें बंद कीजिए। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, अभी इवन किसी के पास कोई प्रूफ नहीं आया है कि कौन गलत था कौन सही था। मैं यहां पे किसी की साइड लेने नहीं आई हूं, बट मैं एज ए एक्टिविस्ट ये कहना चाहती हूं कि एक्टिविज्म डजंट मीन कि आप गलत के खिलाफ या सही के खिलाफ जो भी आपको आवाज उठानी है, वो आप बिना किसी एविडेंस के एक साइड को सुने, आप उस चीज को उठाएं। मेरा बस यही रिक्वेस्ट है सोसाइटी से कि अभी कोर्ट ने कुछ प्रूफ नहीं किया है, अभी तो पुलिस से तक रिपोर्ट हमारे पास आई नहीं है, लेकिन सोसाइटी ने, जैसे कि सोसाइटी का काम है, पहले ही जुर्म करार कर दिया है आसिफा बशीर को। मेरा उन तक यही मैसेज है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ कश्मीरी, एज एन एडवोकेट, एज एन एक्टिविस्ट, कि प्लीज आप ये मिनीस जो बना रहे हैं, इससे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है उसकी फैमिली के ऊपर, वो बहुत हैरास हो रही है। अभी तक कुछ प्रूफ हुआ नहीं है कौन सच था कौन गलत था, तो मैं आपके चैनल के थ्रू उन लोगों तक ये वार्निंग देना चाहती हूँ, उन पेजेस तक, उन यूट्यूबर्स तक, कि जो आप ये मिमीज बना रहे हैं कि जानवर से करे प्यार, आदमी पे करे अत्याचार, ये सब डिलीट कीजिए। बिकॉज आपको नहीं पता, आप ही लोग कसूरवार होते हैं जो अबेटमेंट टू सुसाइड वर्ड यूज किया जाता है। कोई अगर सुसाइड करने पे मजबूर होता है, आप लोगों की वजह से होता है, क्योंकि आप लोग, अभी तक कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया, लेकिन आप लोगों ने पहले ही फैसला सुना दिया कौन गलत था कौन सही था वन साइड को सुन के। तो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस चीज के रिगार्डिंग आप प्लीज इसको इतना एग्जैगरेट ना करें। ऐसे जब सोसाइटी में इतनी गलत चीजें होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, रेप केसेस होते हैं, ऐसे तब तो उसको कोई इतना एग्जैगरेट नहीं करता इस मैटर को। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट इज सो मच इंपॉर्टेंट इन आसिफा बशीर केस कि लोग उसको इतना ज्यादा फैला रहे हैं। और एक्टिविज्म के नाम पे अगर आपको अल्लाह ताला ने एक अच्छी इमेज दी है, सोशल इमेज दी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों तक कुछ भी पहुंचाएंगे। आई स्टैंड विद दिस एंड दैट। आप सही के साथ खड़े रहिए, आप ये बोलिए कि जस्टिस मिलना चाहिए, ट्रुथ जल्दी रिवील होना चाहिए, और हम एज एडवोकेट, एज अ लॉ पीपल पूरी कोशिश करेंगे कि हम सच लोगों तक लाएं। थैंक यू।